आर्ट काउंसिल में सेकंड फ्लोर पे अर्ज़े पाक एग्जीबिशन लगी हुई है, फोटोग्राफी और वीडियो एग्जीबिशन है अर्ज़े पाक। तो आप देख सकते हैं ये बैनर लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पाकिस्तान के सिंध की पेंटिंगें दिखाऊंगा। शाह साहब भी आए हुए हैं, ये आर्ट काउंसिल के, कराची आर्ट काउंसिल के सदर हैं अहमद शाह साहब, तो ये भी विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। बहुत अच्छी, बहुत काम किया इन्होंने आर्ट काउंसिल के लिए। अस्सलाम वालेकुम अहमद शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। प्लीज़ इस एग्जीबिशन के बारे में दो तीन जुमले बोल। बड़ी शानदार एग्जीबिशन है, इसमें सारे पाकिस्तान से आप देखेंगे फोटोग्राफी है, वो चित्राल से लेके और थरपारकर और बहुत ही मुख्तलिफ लोगों की वो हैं, और एक कॉम्पिटिशन है और बहुत ही शानदार है। मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आपकी बहुत खिदमत है पाकिस्तान के लिए, आर्ट काउंसिल के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको भेजा आर्ट काउंसिल में, और हमारा आर्ट काउंसिल बहुत अच्छा हुआ। मैं हमेशा आपके लिए दुआ करूंगा। आप है ना, आर्टिस्टों का भी बहुत ख्याल करते हैं और हमेशा हर चीज़ में हेल्प में आप हाजिर होते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये अलन फ़कीर साहब के साहबजादे हैं, ये भी एग्जीबिशन देखने आए हैं। अलन फ़कीर साहब जो है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत की है, बहुत सारे सॉन्ग हैं इनके पाकिस्तानी। तो आप इनके साहबजादे हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम अलन फ़कीर है। आपका नाम फ़हीम अलन फ़कीर है। तो ये कल्चरल की आपने बड़ा अच्छा ड्रेस पहना हुआ है माशाल्लाह, सिंधी स्टाइल का। हमारी सिंध की पहचान है, और आपको पता है कि सिंध हमारा बड़ा रिच कल्चर है। आप कहाँ गायब हो, कहाँ हो आप आजकल? मैं यूनिवर्सिटी जामशरों से ब्लॉगिंग करता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं वालिद साहब की उसी म्यूज़िक को, उसी सूफीज़म को कॉपी कर रहा हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। आप भी आओ शोबे में यार, हमें अलन फ़कीर साहब की याद दिला दोगे। जी जी, आज इसी जो है सेलिब्रेशन में मेरे शो भी है, आज पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के हवाले से आज कौमी नगमा भी गाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अपने सिंध का कल्चर जो माशाल्लाह बहुत रिच कल्चर है। कैसी है नुमाइश, कैसी है बताएं नुमाइश के बारे में मुझे। हाँ जी, ये आज जो नुमाइश है वो हमारे इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, सिंध कल्चर के हवाले से जो है वो ये एग्जीबिशन हो रहा है अपना आर्ट काउंसिल में। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंध की रली, सिंध के जो कदीमास के जो इलाके हैं उनको कवरेज मिली जा रही है, और उसकी जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी है वो यहाँ पे एग्जीबिशन चल रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतनी खूबसूरत तस्वीरें, जाने अली लगारी को इलाका है, वहाँ से ली गई है। ये देखिए, ये भी कितनी खूबसूरत तस्वीर है, एक से बढ़कर एक तस्वीरें हैं। मैं जो तस्वीर आपको दिखाऊँ ना, आप कहोगे कि बहुत प्यारी है, इसमें पाकिस्तान का कल्चर है। पाकिस्तान के कोने कांचे में भी जाके इन लोगों ने तस्वीरें ली हैं, बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं। और बहुत प्यारी ये एग्जीबिशन है, काफ़ी लोग आए हुए हैं इस एग्जीबिशन को देखने के लिए, और ये वीडियो भी चल रही है। पाकिस्तान कल्चर की चीज़ें हैं इसमें भी दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये रली है, चादर है जो सिंध में चलती है, तो वो दिखा रहे हैं अभी इस वक्त। ये देखिए, ये पाकिस्तान का कल्चर, ये भी जो है नॉर्दर्न एरिया की लग रही है मुझे खातून, ठीक है। ये भी कितना प्यारा है, देखिए माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक फ़ोटोज़ हैं जो खींचे गए हैं। मैं किस किस की तारीफ़ करूँ, कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है। ये कपड़ों पे छपाई हो रही है, ये भी पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम होता है, पाकिस्तानी कल्चर था वो भी। देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। ये देखिए जलेबी, जलेबी, हाँ जलेबी बना रहे हैं भाईजान, उसकी तस्वीर ली गई है। और ये देखिए मनीष ना जाने कोई जगह है, ये भी पुरानी जगह है, और ये पुरानी जो है ना कपड़े हैं। ये मनीष ताजानी देखिए, शहनशाह जाहिद की कोई पुरानी तस्वीर है ये देखिए, और ये देखिए मिट्टी के बर्तनों पे कलर हो रहा है, कितनी प्यारी तस्वीर है। और ये सिंधी स्टाइल में कितनी प्यारी तस्वीर है, देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। मटका उठा के पानी भरने के लिए लेडीज़ जा रही हैं सुबह सुबह के टाइम पर, ये देखिए ये भी तस्वीर बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए, ये हुंजा की है, ये ख़ास टोपी है जो हुंजा में पहनी जाती है चित्राल वगैरह में, तो बहुत ही खूबसूरत टोपी है ये। और ये देखिए ऊपर, ये गांव का मंजर है, देहात का मंजर है। सर ये दोबारा बैठ के दोबारा देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये, अली नवाब क्लिक है ये, ये बहुत ही प्यारी तस्वीर है, बहुत ही प्यारी तस्वीर है। ये मोर पाकिस्तान में होता है, ये जो है ना बहुत ही प्यारा मोर है, देखिए इसकी तस्वीर कितनी प्यारी है। ये थर के इलाके में होता है, तो ये भी इसमें रखा गया है। ये देखिए छोटे बच्चे की फ़ोटो, ये पाकिस्तानी ट्रक की फ़ोटो, और ये देखिए
ये सिंधी स्टाइल है फ़ोटो में, ये देखिए ये है सिंध की जो दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर, और ये बड़ी मशहूर है पूरी दुनिया में। तो ये सिंधी कल्चर है, देखो ये देख नहीं सकती हैं आंटी, ये बनाती हैं इसको, इनका इंटरव्यू आ रहा है, ये रली बनाती हैं चादरें घर में बैठ के, और ये देख नहीं सकती हैं, ये भी इन कवर किया है यहाँ पर माशाल्लाह। देखिए जो देख नहीं सकता वो भी कितनी प्यारी जो चादर बना रहा है बिछाने की, देखो अल्लाह ताला ने इनके हाथ में कितना हुनर दिया है। देखिए हमारे खूबसूरत इलाके, बर्फ़बारी इलाके वीडियो में भी दिखा रहे हैं यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे इलाके पाकिस्तान के। तो ये देखिए आप कितना खूबसूरत है हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, और आज 14 अगस्त है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पूरे पाकिस्तान को, या पाकिस्तान से बाहर भी मेरी कोई वीडियो देख रहा है तो कितना खूबसूरत है मेरा पाकिस्तान और आपका पाकिस्तान। कितनी तारीफ़ करूँ पाकिस्तान की, मेरे अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे लेकिन मेरे पाकिस्तान की खूबसूरती ख़त्म नहीं होगी। इतनी तस्वीरें हैं जगह जगह की पाकिस्तान की कि आप देखेंगे आप खुश हो जाएंगे कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप पाकिस्तान ही खाली घूमें ना तो माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान ही इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि कुछ हद नहीं, और कितना प्यारा है पाकिस्तान हमारा। और मैं आप सबको जो है ना आर्टिस्टों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इतनी प्यारी तस्वीरें खींची, और आज आपकी वजह से हम लोगों ने ये तस्वीरें देखी और ये वीडियो देखी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।